नीति आयोग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर विजय राघवन जी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटे टेक्नोलॉजी मिस रेणु स्वरूप जी डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर शीला अग्रवाल जी द प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एज फॉलोज फर्स्ट विल बी ओपनिंग एंड द प्रजेंटेशन बाय शीलाव अग्रवाल दिस विल भी फॉलोड बाय कमेंट्स फ्रॉम प्रोफेसर विजय राघवन एंड मिस रेणु then there will be another presentation by director NCDC, Dr. Sujit Kumar Singh. Afterwards, Dr. V.K. Paul will offer his comments. Then we will take a few questions. Mr. Lavagirwal. हम आप लोगों को COVID-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें, तो इस समय देश में 40 लाख 13 हजार 642 एक्टिव केसेस हैं और एक करोड़ बासठ लाख तिरानवे लाख लोग रिकवर होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक अर्ली ट्रेंड केसेस के रिडक्शन का नोट किया है उसके संबंध में आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है जिसमें कि अगर देखें डे दे ऑन डे ग्रोथ अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 2.4 परसेंट के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है और आज हमारे देश में पिछले 24 घंटे में तीन लाख बयासी हज़ार तीन केस रिपोर्ट हुए हैं इसी तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की जा गई है जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेज रिपोर्ट हुए हैं हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अगर एक्टिव केसेस की दृष्टि से के देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि एक लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं पचास हज़ार से एक लाख एक्टिव केसेस सात स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटका केरला उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब डेढ़ लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम एक पैरामीटर जो एनालाइज़ करते हैं वह है केस पॉजिटिविटी यानी कि जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से कितने सैंपल पॉजिटिव पाए गए तो उसमें देखें तो पाते हैं कि करीब 24 स्टेट हैं जहां पर कि 15 परसेंट से अधिक पॉजिटिविटी नोट की जा रही है 5 से 15 परसेंट दस स्टेट्स हैं और लेस देन 5 परसेंट तीन स्टेट्स हैं इसमें भी अगर देखें तो पाते हैं कि दस स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि करीब 25 परसेंट से अधिक केस पॉजिटिविटी है जिसका अर्थ यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकें और एक रूट कॉज जो कि हमारे सामने केसेस के रूप में दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल कर सकें हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है गुजरात मध्य प्रदेश तेलंगाना झारखंड दमन एंड दीव लद्दाख लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है हालांकि यह है बहुत ज़रूरी है समझना एक इन्फेक्शस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्ली फार्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है इसलिए जरूरी है कि स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में इस पर परस्पर कार्य चलता रहे इसी तरीके से काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फर्दर नोट किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल राजस्थान बिहार ये स्टेट्स हैं इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी छोटी हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है तो ज़रूरी है कि जिन पर्टिकुलर प्रांतों में चाहे वह केसेस आज कम संख्या में हैं बट अगर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है तो हम कंटेन की दृष्टि से कैसे उन केसेस को कंट्रोल करें कैसे इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें उस पर हमारा कार्य है। हमारा उसी कंटिन्यू मोमेंटम से चलता रहे इसकी बहुत आवश्यकता है इसी के साथ ही हम देखें कि कई जिलों में हमें एक डिक्लाइन इन केसेस पिछले चौदह दिनों में नोट किया है जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र में पुणे के अंदर थाने मुंबई लातूर औरंगाबाद इसी तरह से ऐसे करीब हमारे ग्यारह ज़िले हैं जहाँ पर कि पिछले चौदह दिनों में केसेज में एक कमी को नोट किया जा रहा है हमारा स्टेट के साथ समन्वय इसी दृष्टि से रहता है कि जिस तरह से केसेज में रिडक्शन नोट किया जा रहा है उसी कंटिन्यू स्पिरिट से हम लोग काम करते रहें और केसेज के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम देखे तो पाते हैं कि कटनी झबुआ राजगढ़, सियोनी भारवानी गुना शाजापुर और छिंदवाड़ा में भी केसेज में कुछ हद तक कमी नोट की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ में तीन जिलों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज में झारखंड में पाकुड़ ज़िले में लद्दाख में और गुजरात में भी केसेस में कुछ कमी नोट की गई है हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए इस पर और अधिक कार्य करें ताकि वहाँ पर केसेस और इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कर सकें कम कर सकें इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी इमर्ज होकर आ रहे हैं जैसे कि हम देखते हैं कि बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते में करीब एक लाख उनचास हज़ार केसेज रिपोर्ट हुए हैं चेन्नई में इसी तरह से अड़तीस हज़ार केसेज रिपोर्ट हुए हैं साथ ही हम पाते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि फर्दर और स्पीडी इंक्रीज इन केसेज भी नोट किया जा रहा है जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो पाते हैं कोजिकोड एर्नाकुलम गुरुग्राम इस टाइप के जिलों में जहाँ पर कि एक सडन इंक्रीज इन केस को नोट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में उत्तराखंड में महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि केसेज में वृद्धि नोट की गई है हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए चर्चा करते हुए कैसे इस इन्फेक्शन के रन अवे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं इसी तरह श्रीकाकुलम ईस्ट गोदावरी केरला के कुछ अन्य ज़िले कानपुर नगर इन उत्तर प्रदेश करनूल इन आंध्र प्रदेश ऐसे विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश ऐसे कुछ जिलों में भी फर्दर इंटी नोट किया जा रहा है आज ज़रूरत है कि हम उस पर कार्य करें कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम कैसे कम कर सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन कार्य त्वरगति से चल रहा है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज़ पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं जिसमें कि पीपल अब 45 फाइव ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 पॉइंट फाइव एट करोड़ डोजेज फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं इन डोजेज को देते हुए जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी एक मई से शुरू की थी उसके तहत अब कई स्टेट्स में करीब नौ स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और छः पॉइंट सात एक लाख लोगों को अट्ठारह से चौवालीस एज ग्रुप में भी वहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है अगर एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हमारी रिकवरीज़ में भी वृद्धि हो रही है जबकि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे सामने हैं जिस पर हमें कार्य करना है बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि एक मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है जो कि 75 परसेंट अगर एक मई को थी तो वह बढ़कर अब 89 परसेंट रिकवरी हो चुकी है और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है आज ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कैपेसिटीज़ को और बढ़ाएँ बिसाइड्स हमारी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज ज़रूरी है कि हम आज टीएर टू टाउन्स टीए थ्री टाउन्स में जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं उन सभी को कोविड के बारे में समस्त जानकारी हो जिसके थ्रू वह कोविड के अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी एक तरफ से हमें सपोर्ट करें और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोकॉल प्रोटोकॉल है ना अधिक ना कम उस गति से काम करते हुए उसके तहत हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली है वह एम्स एम्स दिल्ली के आधवार्यम में हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करते हैं और उसी के अंतर्गत आज दिल्ली दूरदर्शन पे हमारे जो दूरदर्शन चैनल है उस पर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर एम्स के द्वारा देश भर में इसको डीमिस्टिफाई करने की दृष्टि से पूरे जानकारी दी जा रही है इसके साथ ही हम जो हमारे रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं इस ओरिएंटेशन के बाद वह सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज ज़िला स्तर पर भी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं चाहे वे गवर्नमेंट की हो और प्राइवेट सेक्टर की हो, उनको भी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे ये सारे सेशन लाइव वेबिनार पर अवेलेबल हैं जिसका हमने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया है और साथ ही एम्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं इसमें हम देखें तो पाते हैं कि कुछ हमारे मुख्य टॉपिक जैसे कि होम आइसोलेशन होम आइसोलेशन में क्या दवाई ले जानी है प्लाज्मा थेरेपी के क्या रोल है ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इनविजी वेंटिलेशन कैसे करनी है वेंटिलेशन और आई मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए रेमडेसिविर या और जो एंटीवायरल या जो हमारी एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली दवाई हैं उनका कब प्रयोग करना चाहिए इन्फ्लेमेशन थेरेपी कैसे होनी चाहिए रेडियोलॉजी टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोविड 19 में क्या रोल है इस तरह के विषयों पर डिटेल चर्चा की जाएगी ताकि हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी को हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकें हम आपके द्वारा सभी से विनती करेंगे कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं वह यूट्यूब चैनल के रूप में अवेलेबल हैं ज़रूरी आज यह है कि हम किसी भ्रांति में किसी पैनिक सिचुएशन में या मिस इन्फॉर्मेशन से भयभीत ना हों हमें ज़रूरी है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसको फॉलो करते हुए इस कोविड जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले सकें आज इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाना वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा तो जिस तरह से एक तरफ सरकार की स्थाई पर सप्लाई साइड यानी कि आपूर्ति पक्ष पर काम हो रहा है जरूरी है कि हम डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष पर भी उसके मैनेजमेंट पर भी उससे अधिक कार्य करें यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जरूरी है कि कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने पर जरूरी रिक्वायर्ड कार्य करें और जैसे कि हमने इससे पहले भी आपके सबसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे प्रदेश जो हमारे स्टेट्स या जिले जहां पर अभी संक्रमण कम है हम वहां पर कंटेनमेंट पर अपना फोकस बनाए रखें ताकि वहां पर इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले और जो वो एरिया हैं जहाँ पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है ज़्यादा केसेज नोट किए जा रहे हैं यह हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है वहाँ पर जरूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें आज जरूरी है कि जिस तरह से पिछले एक साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं वह मिशन मोड कंटिन्यू रहे ज़रूरी है कि हमारे इन एफर्ट्स में जन भागीदारी जन आंदोलन जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं हम उस मोमेंटम को बनाए रखें जन भागीदारी जन सपोर्ट से हम इंश्योर करें कि हमारा ट्रांसमिशन और जो ट्रांसमिशन की श्रृंखला है उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन किया जाए ज़रूरी है कि अपनी मेडिकल फेटर्निटी के साथ काम करते हुए उचित क्लिनिकल प्रबंधन पर काम करें हमारा सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हो उसके साथ ही जरूरी है कि हम जो हमने आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप लिए हैं उनका 100 परसेंट टीकाकरण हो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर कोविड उचित व्यवहार का पालन करें वह हमारे लिए इतना जरूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए मेंटेन किया जाए उस पर काम करें जरूरी है कि हम एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का प्रयोग करें एक स्थाई पर हम क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर काम करें बट कड़ाई इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग की इन्फेक्शन ना फैले नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम कंटिन्यूड स्ट्रेन में रहेगा हम उस पर भी कार्य करते रहें इसकी भी अत्यधिक आवश्यकता है धन्यवाद विजय राघवन जी धन्यवाद शुरू करने से पहले मैं First, this is a very critical time in our country, and it's important for all of us to work together and ensure that we, India, and the world, get out of this pandemic. Second, it's important that we understand that there are about four factors at play here. The first and most immediate is doing everything we can now and doing it together to help those who are currently impacted. It is gut wrenching for all of us to see what is happening. And we must continue to strengthen all healthcare workers, frontline workers, patients and their families, those ensuring supply chains function, and make sure that we overcome this huge surge. Now, that's the first point. Now, let us work together to attend to the present. And the next three issues which I'm going to talk about are about bringing down the wave, dealing with future ones. The three points are what can we do? What does the virus do? And what do vaccines do? What we can and should do is simply stated, but not easy to implement, as we have seen. Yet the best time for us to change our behavior is now. What we at every level, from individuals, families, communities, local government, state government, central government, need to do is to maximally and effectively maintain distance and follow COVID appropriate behavior. This is critically important. Distancing can exponentially bring down the spread. The virus can only go from human to human. In each context, therefore, we need to follow COVID-appropriate behavior that is most effective and tailor it to that context. Now, I'll be principally giving an overview on the other points: what does the virus do, and what vaccines and science can do in that context. I will briefly summarize how SARS-CoV-2 variants emerge and what they mean for us, and what they mean for us going ahead. Dr. Sujit Singh, Director of NCDC, and Dr. Renu Swarup, Secretary of the Department of Biotechnology, will elaborate. On the variants under investigation and of concern in India. Let me just summarize the key conclusions before I go on. First, we need to do what we need to do does not change because of the variants. Masks and distancing are critical and most effective. Given the higher transmissibility of some variants, this is most important, but it is the same message. The variants do not alter the message, the variants are transmitted the same way as the original strain. It does not have other properties of new kinds of transmission in the air or anything like that. It just infects humans in a manner which makes it more transmissible because it gains entry, makes more copies, and goes out again, the same way as the original one. Second, vaccines are effective against the current variants. Third, new variants will arise all over the world and in India too, while variants which increase transmission will likely plateau. Immune evasive variants and those which lower or increase disease severity will arise going ahead. Finally, scientists in India and all over the world are working to anticipate these kinds of variants and act against them rapidly by early warning and developing modified tools. This is an intense research program which is happening in India and abroad. Now, let us look at variants and the huge second wave. Many factors contributed to this large wave, and variants are but one factor. Now, why did the first wave decline? Let us understand that first. And why did the second wave start? Why is it so severe? You've heard from Dr. Lavagarwal what we're doing and what we should do about what is happening now. But the first wave declined because of two factors. As infections rose, so did immunity amongst those infected. As cautionary steps at every one of these levels I alluded to earlier, from individual to high level, increased, there was less opportunity for infections to spread. A combination of a standing level of immunity in the population and cautionary steps halted this spread of the first wave and caused a decline. Unless new opportunities arise, this would have been the situation. New opportunities came about all over the world and in India too. If cautionary steps decline, new opportunities for spread arise. What happens if we drop our guard? The level of caution drops, but also, so does the standing level of immunity. Is often not enough to stop infection spreading. Many people get infected until we reach a new immunity threshold. Such a second wave is typically smaller than the first. Such a second wave was expected. However, multiple parameters can change in small amounts and add up to a second wave much larger than the first. Each parameter may seem a small change, but together, because the rise is exponential, this adds up enormously. Such a much larger second wave with the ferocity we are seeing was not predicted. But what contributes to a large second wave? What were the opportunities open to the virus? After a first wave, immunity can keep new infections low. However, immunity may not have been widespread, and the fraction uninfected due to cautionary steps they have taken in the first wave may have been large. <clears throat> immunity can also fade. Someone who has recovered could be reinfected, but we know. That after eight months of being infected, protection is still very high, it's about 80%. But could that 20% be sufficient to cause uh, immune evasion of significance? So, the combination of less caution, less immunity in a population from the first wave, and the consequent opening up of access to the virus drives a large second wave. In other words, as long as variants are not immune evasive substantially, their being more transmissible is important, but that alone will not cause a big surge unless cautionary steps decline and a large population is available for infection. What role do the variants play in the size of the second wave? Let us look at that. And to do that, we have to see how SARS coronavirus 2 was successful so quickly. This virus emerged in late 2019 in Wuhan, and at that time, it was a virus which we could call a generalist it could infect many mammal species minks cats dogs etc and it indicates that it's not specifically a tightly human adapted virus now this didn't change much in all of 2020 and all the evolutionary signals show evidence for this lineage to continue in the same way the first 11 months of the sars coronavirus to evolution had a very, relatively very low accumulation, slow accumulation of mutations, about two mutations per month in global lineages. generally, not much of what is called adaptive evolution was detected, with one exception, which we can go through later if needed. now, the second phase started sometime in october 2020 and has gone on now in april-may 2021. now, one example of that dramatic change in that period, was the B117. While people had already studied how changes in the spike protein, which is a key aspect of the virus for, us, for it to infect us, could change the antibody sensitivity, people did not predict this kind of accumulation of mutations to come to give rise to a lineage like B117. So that was indeed somewhat of a surprise. And this mutation, this, this set of mutations, could have arisen in an immune compromised individual where lots of opportunities for change can take place. Now, there are two points about the virus. As I said, it started off as a generalist, a rough, crude key which can fit into many locks. Now, as transmission increases and mutations which increase transmission take place, the key becomes more and more refined and more and more specific. But there's only so much that transmission can be perfected. It cannot go beyond a certain level. But the very same region of the spike protein, which is involved in increasing transmission, is also involved in other activities of the virus, such as how the host system responds with antibodies towards it. So, viruses which are better and better at transmission can also accumulate changes which allow for antibody evasion, immune evasion, or vaccine evasion. That has not happened substantially yet with these variants, but that's something, as I said, could be, could be important. So, most antibodies target the spike protein in an area which is called the receptor binding motif. And this kind of variation has been well studied by scientists all over the world. <clears throat> now, in early 2021, something changed rather importantly. A very large number of people all over the world had been infected. Now, as I said, as immunity increases, the virus doesn't have opportunity to go. But it sees that there are pockets it can go through, and therefore there's selection, selection advantage through evolution, for it to be more efficient in transmission. And that's what happens. So, this is a new and second phase where efficiency has been selected because of already present immunity in the population. As vaccination increases, there will be selection pressure for new kinds of escapees, and we have to be prepared for that. So the changes in the biology which we have seen, along with the increased transmission of variants such as B117, which my colleagues will talk about, suggests a new approach. Earlier there was an approach of the virus where it infected people, largely asymptomatic, many symptomatic, and had a certain profile of progression. Now it is adopted because of Fewer people available, a hit and run lifestyle. And this is what has happened with the new variants coming. So far, they're still not antibody, uh, immune system evasive, or vaccine evasive. And <clears throat> yet, these are the kinds of changes which are important to keep a watch on. So, phase one was, as I said, a generalist approach of the virus. And phase two is now has fitter viruses. With increased with arising out of increased host immunity due to previous infections. <clears throat> now, we must keep in mind that variants of concern represent better adaptation to humans, and triggered by human population. So it is not just something which the virus is doing, and therefore everything which we can do to prevent the virus spread, to lower its transmissibility is absolutely very very critical. So, this is something which we need to look at going forward. Now, well, what next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. So B117, other variants like uh, 617, are accumulating changes, which show excellent vaccines on which vaccines show excellent efficacy. But ongoing surveillance is needed, and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. <clears throat> so let me end by saying. Why do we care about SARS coronavirus 2 variants? They may be more transmissible, but there's not too much we can do about that. We have to adopt adapt our behavior. They might be recognized by immunity. Now, that's very bad too, but we can potentially upgrade vaccines and have different kinds of strategies as new variants come. <clears throat> Only sometimes does viral um, evolution erode immunity very rapidly. For example, for measles, it doesn't erode at all. For influenza, it happens much more rapidly. SARS coronavirus 2 looks like it is somewhere in between and it will keep changing. So we have to be prepared with changes in our strategy in terms of vaccines and uh, other kinds of situations. So, what scientists are doing, let me end here, is to make a map in the laboratory of all possible changes which can happen in the virus. And see how these changes can affect immune evasion and vaccine evasion. So, we are both theoretically and in the laboratory, by national and international work, going to be much better prepared for potential changes which can be immune system and vaccine evasive. Till then, we have to do what I started off by saying change, make sure our lifestyle is, has masks and distancing fully. Vaccines are effective. Vaccines scale up steadily and linearly, but our behavior can change exponentially. So we must change our behavior while we wait for vaccines for everyone to be vaccinated. New variants will arise all over the world and in India too, which will increase in transmission, but that will plateau. But immune-evasive variants will come as we go along, which will alter disease to be more or less severe. So our scientists are prepared to deal with that. Meanwhile, we should do what we can do. Uh, so, as I said, we are all working to anticipate these kinds of changes from a scientific perspective, and meanwhile, we must attend to the immediate with great urgency, and also deal with collectively our behaviour so that we uh, squelch this exponential rise in other parts of the country. Thank you. Secretary, Department of Biotechnology. Thank you very much, and uh, I will now briefly summarize to you. What the government's efforts have been working with various scientific research institutes, hospitals, and others across the country to do a better understanding of what this entire virus is. As we've heard, SARS CoV 2 is basically a virus. We all, we all know that by now and viruses by their nature by their biology mutate mutations are not new to a virus and to take this forward it's important for us to understand the virus and understand what really is the virus going to do and how do we handle it so last year in 2020 when we did have this pandemic that is when the whole effort on understanding the virus began in fact in april last year itself a sentinel genomic surveillance a genomic sequencing initiative within the country began by all the various research groups who are competent to do it department of biotechnology the council of scientific and industrial research icmr state laboratories and collectively over a period of about 5 to 6 months we did do about 6 to 7000 sequences this was to understand that pan India, what really are we getting from this virus? The indications that we had were very clear that there was no major mutation which had come in. There was D614G which was seen, but which had no clinical correlations. Now we need to understand here. That we are looking at a molecular surveillance, but unless and until it is correlated with the epidemiological data, with the clinical data, there is independently, it does not have any significance unless we see the clinical correlation. And while we were doing this, and that's when globally also this virus was infecting a large number of people, and that's when we got the information about the virus which was noted by United Kingdoms, which was then called the UK variant. So wherever they were identified and noted first, they were called by the country of where they were identified. We had the information on the UK strain which was come in, that is 117. And we quickly, and we have to also remember that it was noted by the UK, but it took them about two to three months to do the clinical correlation before it actually became a variant of concern. Now, when does it become a variant of concern? That is when we have sufficient data to tell us that this is going to impact clinically uh, on the virus. And till then, when we see any of such variations coming in, which would probably, as we said, mutation is, is something that happens naturally. There would be hundreds of mutations happening. But when that mutation goes on to a specific point of the gene sequence where it could impact, then it becomes a variant under investigation. It goes through the investigation. When it gets clinically correlated, then it becomes a variant of concern. Based on that, we did start our work in immediately taking up the travelers, international travelers, and then we planned out a strategy which my colleague Dr. Sujit Singh will run you through a presentation and give you the full information. But I think what is important for us to understand is that this exercise that we did. When we have these three variants of concern, we then also, in late February, early March, we had indications of these variants under investigation, which may cause uh, clinically, the data needs to be looked at. the clinical correlations began, interactions with the state governments, which he will share with you. This was also put onto the global database. And that’s when this variant of interest got a global lineage. The six one seven, as we call it. Now, this was important. Why was it important? It was important because this information, which came from our Indian scientists, helped to guide the global community that such a variant of interest exists. And that's when they started looking for it within their own countries. Today, we have about sixteen other countries which are also reporting the strain. So, it, this mutation could be anywhere. It's only where it gets identified is where what's important, and that's how globally they look at it so i will hand it over to dr sujit singh who will take you through the details about insagog which was the consortium which got launched. as i said before that these were sentinel sites. then it became important that we come together as a coordinated group. bring the ncdc on board which is the key agency in the country which interacts with the states. bring in the state surveillance officers. bring in the states as a part of this consortium so that collectively the molecular surveillance gets linked to the epidemiological surveillance, and then we have holistically the data which can guide us for decisions to be taken, which it has done extremely well in these last few months. So I will hand it over to Dr. Sujith to give us the details about how the INSAGOG has functioned over these last few months. Over to Sujeet. Thank you, madam, and uh, very good afternoon to all. मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इंडियन जीन्स सार सी ओ वी टू जिनोमिक कंसोशियम किस लिए बनाया गया आप सबको ध्यान होगा कि दिसंबर के अंत में यूके वेरिएंट वेरियंट आ, आ, नया वेरिएंट सार सी ओ वी टू का जो कि डब्ल्यू एच ओ ने और यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर किया जिससे कि अनयूजुअल सर्ज यूके के सदन पार्ट में नोटिस की गई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने तुरंत प्रोएक्टिवली इसको ध्यान में लेते हुए एक इंडियन साइ बनाया जिन्होंने में हाई लेवल सेंटर्स का जिसमें पांच डीबीटी के लैब्स थे दो दो सी एस के थे और तीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लैब्स थे जिसमें आई का एन भी इंक्लूडेड है इन सब लैब जो है ये पहले से ही जीनोमिक वर्क कर रहे थे मेरा ये ध्यान में दिलाना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हम लोगों ने एकदम नया चालू किया हो इससे पहले भी चल रहा था जैसा मैडम ने बताया सेंटिनल सर्वेलेंस के रूप में हम लोग ये कार्य पहले से भी कर रहे थे लेकिन जब इसको एक नेशनल कंसोर्शियम का रूप दिया गया तो वो दिसंबर में हम लोगों के ऑब्जेक्टिव के अनुसार क्योंकि हम ये देखना चाहते थे जो ये वेरिएंट की बात हो रही है ये हमारे देश में पहले से आ गया है या हमारे देश में इसमें आने की संभावना है और अगर ये आता है तो हमारे देश में किस प्रकार का ये बिहेवियर करेगा और जिससे कि हमको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कंसोर्शियम में ये दस मुख्य लैब थे जिन्होंने ये बनाया और आज भी वही लैब इसके कार्य कर रहे हैं हम लोग इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं अब मुख्य चीज़ इसकी यह है कि हम जीन जो जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करते हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है और जब वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते तो ये जैसे कि अभी अभी, अभी बतलाया बी वन वन सेवन एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था इसकी पचास ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई और इसमें से थोड़ी सी डिजीज़ की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है जिसका कि अभी अभी, अभी पब्लिकेशन हुआ है एक सीवियरिटी को भी ये इम्पैक्ट करता है दूसरा वेरियंट है बी ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया साइबल्टेनियसली दोनों चीज़ें करीब करीब साथ हुई थी और ऐसे ही थर्ड वेरिएंट है पी वन जिसको कि ब्राज़ील और जापान में साथ साथ किया गया इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आप साथ में देख रहे हैं जिनको के स्पाइक प्रोटीन एरिया में जो कि अभी राघवन सर ने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस एरिया में वेरिएंट हमारे लिए वे एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बनता है तो ये पर्टिकुलर म्यूटेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए गए आप देखेंगे एल फोर और ये बाकी एल एंड ई साथ में और एन और एन फोर फोर जीरो के जो कि आजकल आप काफी न्यूज़ में देख रहे हैं ये सभी वेरिएंट उसी के प्रकार हैं। अब इसकी हमारी स्ट्रेटेजी क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा और इसमें हमने देखा सबसे पहले हमने टारगेट सैंपल्स आइडेंटिफाई किए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारा पहला ग्रुप था क्योंकि हमको सबसे पहले ये देखना था जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनके थ्रू कोई विदेशी नया वेरिएंट हमारे देश में तो नहीं आ जाता तो ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स का जो विदेशों से आ रहे थे उनका ध्यान किया गया और उसमें हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन जिस कंट्री में से वो आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन स्टेटस ट्रैवल हिस्ट्री बाकी चीज़ों का ध्यान रखा दूसरे कैटेगरी हमारे सैंपल्स हैं कम्युनिटी सैंपल्स जिसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे दो प्रकार के सैंपल्स को हमने टारगेट किया नंबर वन वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि आउटब्रेक्स नोट हो रहे हैं या एक्सपोनेंशियल राइज नोट किया जा रहा है जैसा कि आपने देखा होगा कि जनवरी के अंत में फेबररी के शुरू में महाराष्ट्र के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ने एक एक्सपोनेंशियल सर्च दिया उसको नोट करने के लिए ये हमारे उसके रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स को हमने टारगेट किया और इसी प्रकार अगर क्लिनिकल सीवियरिटी कहीं ज़्यादा मिलती है तो उसमें भी हम समझने के लिए कि ये किसी वेरिएंट के द्वारा तो नहीं है जीनोमिक सीक्वेंस को भी वहाँ टारगेट करते हैं दूसरा है हमारा सेंटिनल साइट। ये हमारा ऑनगोइंग सर्वेलेंस सिस्टम है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो नए नए वेरियंट जैसा कि अभी राघवेंद्र सर ने बताया आर वायरस में म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस म्यूटेशन पे निगाह रखना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जिससे कि हम हमें समझने में मदद मिले कि ये वेरिएंट किस प्रकार से आकर बिहेव कर रहे हैं तीसरी हमारी कैटेगरी है री इन्फेक्शन वाली जिसको कि आप सभी जानते हैं और ये काफ़ी कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि री इन्फेक्शन हो गया पहले भी हुआ था नवंबर में अभी दोबारा हो गया इसी प्रकार किसी वैक्सीनेटेड लोगों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उसमें री इन्फेक्शन या कोई नया वेरियंट तो नहीं है अब इसके लिए जो हमने एस निर्धारित की जो कि मैं आप लोगों को ध्यान में दिलाना चाहूँगा पहला काम है राइट सैंपल हमारे लैब तक पहुँचना और इसमें हमारा आई का नेटवर्क जो कि जिले ज़िले तक फैला हुआ है वो इस लोगों को कार्य में मदद करता है कि राइट सैंपल राइट जगह से लेके और सब उसको लैब तक पहुंचाए। दूसरा हमारा होता है जो लैब में सीक्वेंसिंग करते हैं वो सीक्वेंसिंग बेसिकली तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं नंबर वन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो आपने अभी देखा तीन हैं और अब एक हमारा बी वन सिक्स वन सेवन भी है और इसी प्रकार हम पहली चीज़ होती है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में जो तीन चार वेरिएंट जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके जी सेट के एक्सपर्ट्स इसको नोटिफाई करते हैं या डब्ल्यू एच ओ इंडिकेट करता है तब इसको एक वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद एपिडेमोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन के बाद उसको एक नाम दिया जाता है कि वेदर वेरियंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है तीसरी चीज़ मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कुछ अगर ऐसे म्यूटेशन हमारे साइंटिस्ट को दिख रहे हैं जो कि उनके हिसाब से आप पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस के हो सकते हैं मैं यहाँ पे यह बात बताना चाहूँगा जैसा कि पूर्व में भी कहा गया कि हमारे लिए कौन से म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट हैं म्यूटेशंस रेगुलर होते हैं तो जी में भी अगर आप देखेंगे ग्लोबली तेरह लाख अड़तीस हज़ार से ज़्यादा म्यूटेशंस नोटिफाई किए जा चुके हैं आई इस पर्टिकुलर सार सी ओ वी टू के जिसमें कि यू के यू एस ए सभी के सभी देशों ने किया कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है, है सिंगापुर है और हमारा देश भी है तो इन सब म्यूटेशंस को नोटिफाई करके ये देखना उन म्यूटेशंस की इम्पोर्टेंस होती है जिन म्यूटेशन से पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस हो तो अगर साइंटिस्ट उसको नोट करते हैं तो वो एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है उसके एक्सपर्ट्स के पास ले जाते हैं वो इसके ऊपर डेलीबरेट करते हैं और अगर वो पाते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशंस या म्यूटेशंस का ग्रुप या वेरिएंट ये एक पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस का हो सकता है तो वो एन को सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट को नोटिफाई करते हैं और नोटिफाई करने के बाद एन के लोग स्टेट सर्वेलेंस के लोगों के साथ मिल या डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिल उस पर्टिकुलर कैटेगरी से सैंपल हम और उठाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक बेहतर तरीके से समझा जाए ये मेरा बताने का प्रयोजन आपको यह है कि इस सब प्रोसेस में एक समय लगता है जिस स्टेट वालों से बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं हॉस्पिटल से बात करते हैं और फिर राइट सैंपल दोबारा आते हैं और एक जीन सीक्वेंसिंग का प्रोसेस को हमारे लैब दोबारा करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो अगर लैब के ही लैब के प्रोसीजर की बात करें हमें तीन से लेकर कर सात दिन का समय नॉर्मली लगता है तो ये सब प्रक्रिया में एक समय लगता है फिर उसको एक स्टैटिस्टिकली वैलड बायो स्टैटिस्टिक मेथड से इसको देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ एक लेवेंस की है कि नहीं और उसके बाद इसको एक वो दिया जाता है और एक सबमिट की जाती है उसके बारे में एक पूरी जानकारी आगे मैं इसमें यह कहना चाहूँगा रेगुलर ये हमारा रेगुलर मैकेनिज़म है और इसमें हम जो एक प्रक्रिया करते हैं जब हमारा ये कार्य जैसे ही हमको रिपोर्ट मिलती है चाहे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हो चाहे हमें म्यूटेंट की हो ये हम स्टेट वालों के साथ रेगुलरली शेयर करते हैं और उसी के साथ मिनिस्ट्री से भी शेयर करते हैं ये वायरस नए वायरस जो हमको मिलते हैं जिसका म्यूटेंट या वो होता है उसको उस कल्चर के लिए हम लोग हमारी फ़रीदाबाद की और इसकी लैब में दो जगह भेजते हैं उस जगह इनका कल्चर किया जाता है जिससे कि आगे की स्टडी के टेस्ट पर उसकी क्या प्रक्रिया है या इम्यून इम्यूनिटी का उसका किस वैक्सीन पर असर उसका कैसा है इसको समझने का प्रयास किया जाता है अब इस जीनोमिक सिरेंस का इम्प्लीकेशन क्या है मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये हम वेरिएंट की काफी बात करते हैं और इसके लिए हमें यह देखना चाहिए कि वेरिएंट हमारे लिए किस चीज रूप में वो इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं कि डिजीज़ एफिडेमोलॉजी के हिसाब से जो कि टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या नया वेरिएंट का किसी एज ग्रुप में ज़्यादा इम्पैक्ट है बच्चों में ज़्यादा इंपैक्ट है एडल्ट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट है तो इसको समझने के प्रयास के लिए हम लोग इसको देखते हैं दूसरा है ट्रांसमिसेबिलिटी जिसको कि काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया है वेरिएंट्स में और ये एक मुख्य कारण है जो कि हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने का एक नया तरीका देता है और इससे हम डिजीज ट्रेंड को कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रपोर्शन में वेरियंट बढ़ रहा है और किस प्रपोर्शन में डिजीज़ बढ़ रही है और अगर हम इसको कोरिलेशन को सही पाते हैं तब हम इसको एक स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा स्थापित करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वेरिएंट एज फार एज ट्रांसमिसिबिलिटी इज कंसर्न एज फार एज क्लिनिकल सीनैरियो इज कंसर्ड और एज फार एज द टेस्टिंग स्ट्रेटजीज इज़ कंसर्न दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसमें एक रहता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को भी यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन उनके यहाँ कैसा है इसी प्रकार क्लिनिकल सीवियरिटी भी अगर किसी वेरिएंट की होती है तो हॉस्पिटल को बेटर प्रपेयरनेस के लिए तैयार करता है कि जैसे ही केसेस की राइज हो हमारे हॉस्पिटल किस प्रकार अपने आप को बेटर इक्विप करें किस प्रकार लेटेस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करें जिससे कि हमें उस बीमारी के लक्षण को समझने में और उस बीमारी के इलाज को समझने में मदद मिले आखिरी चीज़ यह है कि हमारी इसका नेशनल और इंटरनेशनल परस्पेक्टिव क्या है नेशनल मैंने आपको सबको बताया जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं रोजाना किस प्रकार हम प्रेस ब्रीफिंग में स्टेट से इंट्रैक्शन में इस चीज़ को साझा करते हैं और इससे स्टेट को इस बार की जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि उनके स्टेट में उनके डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे स्टेट्स में किस प्रकार का हमारे यहाँ सिनेरियो चल रहा है दूसरी चीज़ इंटरनेशनल में जैसा कि सर ने शुरू में बताया कि जब तक कोई भी कंट्री इससे इन्फेक्टेड है तब तक हम अपने देश को सेफ़ नहीं मान सकते तो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन का वेरिएंट का और सर्ज का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है क्योंकि हम आई एच के सिग्नेटरी हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में जो हो रहा है वो हम दूसरे देश वालों से साझा करें और दूसरे देश की जानकारी को साझा करके अपने देश में देखें कि वो किस प्रकार का हम लोगों को इम्पैक्ट दे रहा है ये मैं आपके सामने चार्ट रखना चाहूँगा जिससे ये बताए आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पूरे के पूरे स्टेट्स में वेरिएंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिनमें कि हमारे चारों वेरिएंट जो ऑफ कंसर्न जो कि आपको दिखाए गए हैं इसमें तीन हज़ार करीब आज की तारीख़ में हमारे वेरियंट जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं अठारह हम लोगों ने सीक्वेंस किए हैं आज तक की तारीख़ में और इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही प्रकार के सैंपल्स हैं कम्युनिटी वाले सैंपल्स भी हैं और इसमें हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और उनके कॉन्टैक्ट के भी सैम्पल्स हैं अगर आप इसमें डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि इसमें हमारे तीन चार प्रदेश अलग से निकल के आते हैं जिसमें महाराष्ट्र है और जिसमें पंजाब है जिसमें हमारा दिल्ली है और जिसमें हमारा बिहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है बाकी इसके डिटेल्स आपके सामने अगर आपको इसको जो इसी चीज़ को अगर जोग्राफिकली देखना चाहेंगे आप तो प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स में या आपको मैप के जरिए दिखाया जाएगा कि किस प्रकार ये हमारे नॉन जो वेरियंट हैं वो और इंटरनेशनल वेरियंट हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में हमारे यहाँ आज की तारीख में काफ़ी कम आ, इस वेरिएंट्स का हुआ है अब आएंगे हम इसकी पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन को हम कैसे शेयर करते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा न केवल हम जैसे ही हमको लैब से इन्फॉर्मेशन मिलती है हम स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर से तुरंत वो इन्फॉर्मेशन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस पर्टिकुलर सैंपल्स में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली या जिस एयरपोर्ट से अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर आया है तो उस एयरपोर्ट से हम उसके डिटेल्स लेके उसको उस पर्टिकुलर स्टेट को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो स्टेट को ये आ, वो भी देते हैं हम क्योंकि हम उसके लिए ये आवश्यक है कि उस पर्टिकुलर वेरिएंट का उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रभाव पड़ रहा है जिससे कि वो सर्वेलेंस से ये देखने की कोशिश करें कि ये वेरिएंट जो उनके डिस्ट्रिक्ट में पाए गए उससे कोई उनको अनयूजल सर्ज तो नहीं मिल रही और अगर सर्ज वगैरह उनको मिलती है तो वो उससे हम रिपीटेडली हमको साझा करते हैं और फिर हम उसको एपिडेमोलॉजिकल कोरिलेशन करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा हम लोग दूसरे एक और तो हमारा तरीका है स्टेट से शेयर करने का कि जैसे ही हमारा वेरिएंट्स का और सर्ज का एक वो बनता है एक रूप बनता है तो हम उनसे डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर आपके किस डिस्ट्रिक्ट के सैंपल्स हैं या किस डिस्ट्रिक्ट में आपको इस प्रकार का आउटब्रेक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कौन से सैंपल्स हमारे लिए रेलिवेंट हैं बिकॉज इसमें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चूँकि सिक्वेंस हमारी एक लिमिटेड सैंपल्स की होती है तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है इसलिए हम स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिलके राइट सैंपल्स से मंगवाते हैं और उनकी सी वैल्यू वगैरह देख के तब उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसेस करते हैं इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग इसके बारे में रेगुलर वी करते रहते हैं स्टेट्स वालों के साथ जिनमें सीनियर ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और कई बार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी वी की है स्टेट्स के साथ जिसमें भी हमने ये प्रजेंटेशन किए हैं और उन सब लोगों से साझा किए हैं और उन सब लोगों के कंसर्नस को हमने समय समय पर एड्रेस किया है आज की तारीख़ में अगर मैं इस बात को थोड़ा सा समराइज़ के रूप में आपको बताना चाहूँ तो बी वन वन सेवन जो हमारा लीनिएज है ये हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखा रहा है कंट्री में जो कि शुरू में हमने देखा था इसका काफी हद तक प्रकोप हमें जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला था फिर दिल्ली में भी देखने को मिला था तो अब आज की तारीख में हमारा जो बी वन सिक्स वन सेवन जो है थोड़ा सा जिसका कि मुख्य अब वो था केंद्र था महाराष्ट्र था आज भी वो काफ़ी जगह पे हमको ये नया लीनियर देखने को मिल रहा है और आज की तारीख के सर्ज में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमें इसका कोरिलेशन मिला है लेकिन इसका एपिनेमोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है तो मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा ये मैंने पिछली बार के उसमें भी कहा था कि हमारा ये कोरिलेशन जो है मुख्य आस्पेक्ट होता है और बिना कोरिलेशन के हम किसी भी प्रकार की सर्ज को किसी भी प्रकार के सिनेरियो को उससे डायरेक्ट लिंकेज नहीं कर सकते नहीं कैसे स्थापित कर सकते और रही बात इसकी कि हम इस पर बेसिस पे क्या की एक्शंस लेते हैं जैसा कि अभी सर ने बताया कोई भी वेरिएंट हो कोई भी वेरिएंट में वो क्षमता नहीं होती कि हमारे मास्क को पेनिट्रेट कर पाए या हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से पार पा पाए तो ये हमारे लिए मुख्य हमारा एक धरातल है जिसके ऊपर हमें खड़े रहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज क्विक आइसोलेशन प्रिवेंटिंग द क्राउड फ्राम इंटरमिंगलिंग एंड ऑल्सो मेकिंग द पीपल वैक्सीनेटेड इन टाइम एंड विद प्रायरिटी शुड बी अवर द की एंड शुड भी द शुड भी दवर स्ट्रेटजी फॉर द एरियाज वेयर वी आर फाइंडिंग वेरियंट्स ऑल्सो थैंक यू वेरी मच अभी आपने डॉक्टर uh, सुजीत सिंह को सुना धन्यवाद सुजीत हमने आपने सुना कि उन्होंने आपको पूरा इंसा गो के थ्रू कैसे हमने मोलिकुलर सर्वेलेंस को एपिडमोजिकल सर्वेलेंस क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ रिलेट किया इसमें दो तीन बातें मैं सिर्फ समराइज़ करना चाहूँगी आपके लिए आपने ये देखा कि हमारी इसमें पूरी स्ट्रैटी है कि हम किस तरीके से सैंपल्स लेते हैं किस तरीके से टेस्टिंग होती है किस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है और कैसे ये डेटा फिर क्लिनिकली कोरिलेट होके डेमिनेट किया जाता है एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जब हम जिनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी बहुत मान्य रखती है ये जैसे हम उसको जितना ये नहीं है कि हम जितने ज़्यादा नंबर की सीक्वेंसिंग सैम्पल्स को करेंगे उतना ज़्यादा हमें वेरिएंट्स मिलेंगे करेक्ट सीक्वेंसिंग करनी है करेक्ट सैम्पलिंग करनी है जिसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम देश के सभी कोनों से सेंटिनल साइट्स जो बनी हैं जिसके बेसिस में हर एक हमारा जो प्राइमरी सेंटर्स टर्सरी सेंटर्स सेकेंडरी वहाँ से जो डेटा आएगा उसकी फिर हम सीक्वेंसिंग करते हैं उससे ये है कि पूरी कंट्री में हमें फिर ट्रेंड पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट जो है वो किस स्टेट में ज़्यादा दिख रहा है या किस स्टेट में जैसे आपने आखिरी स्लाइड में देखा कहा कि पहले सिक्स वन जो वन वन सेवन था अब हमें उसकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रही है सिक्स वन सेवन का कुछ स्टेट्स में हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है जिससे डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताया जाता है कि ये आपकी ट्रेंड्स हैं अब आप इसके बेसिस पर वर्क करिए और एक लास्ट चीज़ जिस पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट है जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा ये जो हमें वेरिएंट्स जब मिलते हैं इनके वायरस को कल्चर किया जाता है इसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी अपने एसेज बना लिए हैं न्यूट्रलाइजिंग एसेज जिनको कहा जाता है उसमें जो भी हमारे वैक्सीन हैं आज के दिन में हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोविशील्ड और कोवैक्सीन है स्पुटनिक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ मिल चुका है जो बहुत जल्दी अब आ जाएगा ये तीनों वैक्सीन्स अभी हमारे सारे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट है उस पर स्टडी किए जा रहे हैं जो प्रिलिमिनरी डेटा है वो हमें बताता है कि वो इफेक्टिव है डिटेल डेटा हमारे पास अभी आ रहा है और ना ही सिर्फ इन वैक्सीन्स पे जो हमारे अंडर डेवलपमेंट हैं उनको भी हम उसके थ्रू कर रहे हैं ताकि हमारी वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस हमें बहुत सही तरीके से मालूम रहे So in a nutshell, main yehi chahongi, ki genomic surveillance is very important, but genomic sequencing data in isolation does not give us any indication unless and until it is correlated with clinical data. And that whole cycle has to be completed for us to get an information of what is that variant, is it a variant of concern, is it a variant of interest, or that variant is just not important for us at all, and it's a routine mutation. Thank you very much.

डेटा आता है इन्फॉर्मेशन आती है एनालिसिस आते हैं सूझ बढ़ती है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो आज आपके सामने हमने अपडेट दिया है हमारी सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी के मेजर मेजर एफर्ट विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ टेन वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरीज आर एंगेज इन दिस एंड वी हैव डेमोस्ट्रेटेड टू यू हाउ वी विजुलाइज हाउ वी वी हैव अ स्नैप ऑफ हाउ वेरियस म्यूटेशन आर ऑपरेटिंग इन दिस कंट्री बहुत ज़रूरी बात ये जानना है कि म्यूटेशन जहाँ एक बारी दिखेगी कहीं पे उसका महत्व क्या है ये बाद में पता चलता है जैसे बताया गया हर महीने दो दो म्यूटेशन्स हो रही हैं बदलाव आ रहा है वायरस के बिहेवियर में पर लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये टाइम से ही पता लगता है तो एक चीज़ है कि स्पॉट कर लेना और साइंस ही स्पॉट करती है वही आर ने डिटेक्ट किया उसके बाद जाँच हुई और फिर जैसे जैसे ही इमर्ज हुई सिचुएशन इमर्ज हुई साइंटिफिक वॉच रखी गई तो बाद में ही पता चलता है यूके का वेरिएंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो उभर के आई वह दिसंबर में आई दिसंबर के सेकंड हाफ में आई लेकिन जब पीछे गए तो कई महीने पहले वो था कहीं पे तो समझ कहने का मतलब यह है कि म्यूटेशंस विल गो ऑन म्यूटेशं विल कम इवन मोर म्यूटेशन्स विल हैपन वी नीड टू हैव अ साइंटिफिक वॉच ओवर दैन These must be on our radar screen. We must be open to spotting the ones which are more important than others, and we have the scientific might in this country to do so. Having said that, remember, as Dr. Vijay Raghavan very emphatically presented to you, that the response to the changing virus remains the same. The response to curbing the chains of transmission of the virus. Remains the same. And it starts with our personal behavior mask, distancing, hygiene, no unnecessary meeting people, staying within the family as much as you can. That protects you. Second, the vaccination protects you. So important that we embrace the vaccine without hesitation. And third, and third is the onus of the system to make sure that a positive case does not lead to more cases through tracking and containment strategy. these are the three pillars which stop the chains of transmission. they are same for wuhan virus and they are same for b 117 or b 617. please do not think that a new strategy would come up from elsewhere. and therefore, mutations may, occur may be occurring even today.

वैक्सीन तो लीनियर तरीके से बढ़ेगा कंटेनमेंट भी होगी उसका अलग एफर्ट है लेकिन अपने आप को वैक्सीन से बचाने के लिए और आपके थ्रू वैक्सीन दूसरों का ना जाए जो हमारी सोसाइटल जिम्मेवारी है वो व, जो वायरस है वो आ, आपके थ्रू दूसरे को ना जाए ये जिम्मेवारी हम निभा सकते हैं और इसकी ज़रूरत आज और भी ज़्यादा है और भी ज़्यादा है जैसे डॉक्टर विजय राघवन जी ने कहा थैंक यू मैम फॉर ऑल द डेटा दैट यू प्रेजेंटेड i have one more point to make and that is a request on behalf of the government our request is that we need physicians fraternity to come forward to provide early consultations to people to families at home those who are in, who have acquired infection jo infection ho gaya unko suspect hai khansi hai bukhar hai और लगता है कि ये कोरोना ही हो सकता है उनको विनती है कि डॉक्टर्स अपनी तरीके से टेलीमेडिसिन के द्वारा उन तक पहुँचें और जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं वो मिलके ऐसे कॉल सेंटर या टेली सपोर्ट सिस्टम बनाएं। हमें ये नहीं मालूम होता कि हम किसको फ़ोन करें कहाँ जाएं, कौन से नंबर पे करें क्योंकि गिवन द सर्कमस्टानसेस क्लिनिक्स शायद बंद हो गए हैं हर व्यक्ति का कोई पर्सनल डॉक्टर से कॉन्टैक्ट हो ऐसा नहीं होता इसलिए हमें पॉपुलराइज करना है कि वॉल्ट्री या इवन पेड हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं कलीग्स हैं स्पेशलिस्ट हैं और कोरोना की जो देखभाल घर में है उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है वो तो जनरल फिजिशियन भी कर सकते हैं वो सर्जन भी कर सकते हैं वो स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं और फिर कमिंग बैक जनरल फिजिशियन भी इंटर्न भी कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स भी अंडर गाइडेंस कर सकते हैं तो ये हमें एक माहौल पैदा करना है कि हम सबको अगर ज़रूरत पड़ती है तो सामने हो कि मैं यहाँ फ़ोन करूँ चाहे वो एक हेल्पलाइन बन जाए मल्टीपल हेल्पलाइंस बन जाए चाहे इंडिविजुअल्स का नाम आए जो अखबार में आ जाए या पता लगे कि यहाँ इस शहर में किसको फ़ोन कर सकते हैं या स्टेट लेवल पे ऐसा सिस्टम बने इसकी बहुत ज़रूरत है लगभग सब स्टेट्स ने अपने तरीके से ऐसी हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे आ, जो फिजिशन कम्युनिटी है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं इसमें जुड़ें तो बहुत मदद होगी क्योंकि अभी हमने बहुत आगे तक इस लड़ाई को करना है और ये भी अब क्लियर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल केयर uh, जो है वो घर में ही मिलनी है शुरुआत में घर में हम अच्छी तरह से केयर करेंगे आगे की मुसीबत नहीं आएगी ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स को आगे आना चाहिए और उनके साथ जुड़ना चाहिए और और जो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें इसको जोड़ने के लिए आगे आ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा बड़ी सेवा का काम होगा इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इसके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए डेथ्स को कम करने के लिए और इसके लिए प्लीज़ आगे आइए मैं इसी पॉइंट पे रुकता हूँ आज हमने साइंस शेयर करी पेंडेमिक की सिचुएशन आपके साथ शेयर करी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन ऑनलाइन From Leroy of Mint. Can you please clarify whether a new variant has been found in the Andhra Pradesh and provide details about it? Also, what do we know about the increased transmissibility of B.1617 and B.1618 variants and its role in the second wave so far? The variant that is being talked about. There is no new variant. The one that we have brought out is clearly the 617. Jo Andhra ki baat ki hai that is N440K. The report that was published in some preprint, it was a preprint, not a full paper that was published, was by an independent researcher based on some samples that were collected in July last year. And only in the cell cultures. So, that is not in a human uh, report on humans. N44K was subsequently found when we did the genome sequencing this time in some samples that we had from some states, but it very quickly diminished and we don't really see it prevalent at all. And there has been no clinical impact of it at all, which has been found from the correlations which have been done by NCDC data right now, the 617, which is prevalent, i think, in, as has been indicated, the data is being correlated by the ncdc in terms of the transmissibility and some of the severity data, which is being studied. but right now, we are seeing it going increasing in some of the states, as you saw in the presentation, that it has been seen in some states from maharashtra, it has now been also seen in, and that map showed it very clearly it has been found in uh, delhi and now also been visible in karnataka so we are seeing it in states but what is the percentage etc that data is coming in 618 was also reported in between but very quickly we have seen that 618 has also now diminished and we do not see 618 in the increase at all in terms of the data which has been put in over there Thank you. 116 सर नमस्ते मैं अशोक हूँ एन से सवाल ये है कि जो विदेशों से कॉन्सेंट्रेटर्स या मेडिकल एड आ रहे हैं क्या उनका कोई डेटा बेस हमारे पास है कि वो कहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं और उनसे कितनी मदद मिल रही है और दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बढ़ती हुई कोविड केसेस को लेकर क्या लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प है नेशनल लॉकडाउन विदेशों से जो भी एड आई है वह एड हमारे जो मंत्रालय लेवल पर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेटिव अप्रोच के थ्रू जैसे कि उसमें कुछ डिप्यूटेड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी हैं कस्टम्स के लोग हैं सिविल एविएशन के लोग हैं साथ ही हमारे टेक्निकल विंग है ताकि जो एड वहाँ से आई है वह कहाँ पर किस हॉस्पिटल में सूटेबल रहेगी उसकी गाइडलाइंस को उन लोगों ने बनाया और उसके साथ ही जो भी एड आई है वह रेस्पेक्टिवली उन हॉस्पिटल्स में जहां पर की इमीडिएट नीड फील की गई है वहां पर पहुंचाई भी जा रही है इस डिटेल्ड पीआईबी ने किया है। available, available. जब वायरस का स्प्रेड बढ़ता है एक्सेसिव होता है तो चेंज ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड और इस कॉन्टेक्स में उनतीस अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई हैं हेडेड है तो उसमें यह कहा गया कि हमें चेंज ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन एरियाज़ में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% प्रतिशत से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी साठ प्रतिशत से ज़्यादा है वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की ये स्टेट्स को एडवाइजरी है ये स्टेट्स विल टेक डिसीशन और इसके अलावा सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग्स के ऊपर बैन है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बाहर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्सिस स्विमिंग पूल रिलीजियस प्लेसेस, इनको भी बंद करने के लिए गाइडेंस दी गई है और इसके अलावा ये क्लियरली कहा गया है कि स्टेट्स एंड यूटीज शुड मेक अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द लोकल सिचुएशन एरियाज टू बी कवर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड देन टेक अ डिसीजन सो इन दैट डायरेक्शन देर इज़ अ क्लियर बैलेंस्ड एडवाइजरी एट द सेम एंड दिस बेस्ड ऑन दिज एडवाइजरीज स्टेट्स आर टेकिंग देर Decisions and we appreciate that. At the same time, in addition to this range of restrictions, if anything more is required, those options are uh, always being discussed and uh, those decisions, as required, will be taken. But at the same time, remember this already there is uh, a very significant guidance to the states to impose and uh, इंपोज रिस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू सप्रेसमिशन नंबर नाइन सर मैं परिमल हूं एनडीटीवी से क्या इतने केसेस के बाद हम मानेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और अगर है तो क्या नीतिगत बदलाव आप लोग कर रहे हैं देखिए जैसे पहले इस पंच से कई बार कहा गया है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनका कोई स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन वगैरह का इशू हमेशा रहता है कि हैं या नहीं है बट आई वी हैव हाईलाइटेड रिपीटेडली आर अप्रोच टू पेंडेमिक कंट्रोल एंड दैट अप्रोच हैज द फाइव लिम्स एंड इन एडिशन द दस्पेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट वीच जस्ट नाउट टॉक्ट अबाउट फाइव बींग टेस्टिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट Uh, clinical care, COVID appropriate behavior, and vaccination. Now, when the spread is of this level, clearly the the whole effort is also in, is emphatically toward detection of cases and providing them appropriate care and to provide them home care as well as, if need be, hospital care. So that emphasis does go in that direction. And states, we are in constant dialogue with the states to adapt these five tools.

and it should not be uh, you know presented as one approach. An approach depends on the level of transmission. We have highlighted where high intensity transmission if it occurs, what needs to be done. And as I said, the tools are adapted to the needs prevailing on the ground. Thank you one, five, two. <laughs> अभी भी जो विदेशों से अपने पास कंसेंट्रेटर और ऑक्सीजन और तमाम चीजें आ रही हैं या इक्विपमेंट्स कस्टम क्लियरेंस में उसमें तीन से पांच दिन लग रहे हैं कोर्ट भी कह चुका है कि जो काम तीन से पांच घंटे में होना चाहिए वो तीन से पांच दिन क्यों लग रहे हैं क्या उसमें कोई स्ट्रेटजी में बदलाव आ रहा है कि जल्दी से जल्दी हो जाए और जी को लेकर तो शायद ये कन्फ्यूजन है मतलब सुना जा रहा है कि जी सरकार ने उस उसपे इम्पोर्ट टैक्स और जीएसटी इनमें कटौती कर दी है स इज रिपीटलीफाइड इट विद इन टू फाइवली मैं इसमें बताना चाहूँगा जो आपका प्रश्न है ये भ्रांति है जैसे कि हमारे कुलीग ने बताया है एक पूरा डेडिकेटेड सेल इस पर काम कर रहा है जिसमें कि रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज के सारे अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं और जो भी एड आ रही है वह है जिस गाइडलाइंस के तहत जो जो एग्जाम्शन दी गई हैं उनके एग्जाम्शन के तहत उनको रिक्वायर्ड परमिशन टाइम पर दी जा रही है यहाँ तक भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किए जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्लेन लैंड करता है उसका अलॉटमेंट उससे पहले ही प्लैंड होता है और एच जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है जो हमारा एक पी है वह है वहाँ पर ऑलरेडी अपने व्हीकल्स के साथ या चाहे वह फोर्सेस के विमान हो ताकि अगर हमें दूर के प्रांतों में भेजना है ऑटोमेटिकली जैसे ही वहाँ पर चीज़ लैंड करती है लैंड करने के बाद उसको ज़रूरत होती है तो पैक और अनपैक करके उसको सेग्रीगेट करके फिर रीपैक करके कुछ ही घंटों के अंदर वह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाता है yes, sir, People have apprehensions about it as they believe RT PCR is more reliable, and many a times there is variance in results. Can you kindly clarify on this? Sir? See, the rapid antigen test yes. has its own place. It complements RT PCR, and conversely, RT PCR can complement RAT test when available. RAT test, rapid antigen test, is highly useful. In surveillance activities, in containment zones, in screening people where there is a likelihood of transmission. So, this is something which we have steadfastly and repeatedly highlighted that this is a tool available to us for mounting effective containment and surveillance activity, and that still stands. At the same time, rapid antigen test becomes useful once there is a high intensity of infection. Such that a large number of individuals are coming with symptoms. Just as there is this is a present situation in many, many states and cities where positivity rate is 30%, 35%, 25%. In those situations, this test becomes useful for a quick diagnosis. Kya, rapid test positive chance, high. <laughs> jaldi se identify उसके तरीके से इलाज शुरू करते हैं घर में इलाज करना है या जो भी ज़रूरत है तो शुरू हो जाती है तो इन दिस सिचुएशन रेपिड एंटीजन टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द परपज ऑफ ट्राइसिंग एंड स्क्रीनिंग सो इट कॉम्प्लीमेंट्स द आर टी पी सी आर विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बट इन द गि सरकमस्टांसिस इट ऑल्सो टेक्स अप द रोल एज अ डायग्नोस्टिक मोडेलिटी इन एडिशन टू द सर्वेलेंस एक्टिविटीज नंबर फिफ्टी सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से दो सवाल हैं सर अहम सवाल पहला तो ये कि कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो इसको लेकर के जो लोग आज लगातार अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके अंदर एक सवाल है और सवाल ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि कोवैक्सिन या कोविशील्ड लगाने के बाद वो कितने दिन रेस्ट करें घर पे कितने दिन रेस्ट करें क्योंकि वो अगर बाहर भी जा रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं तो उससे उनको कितना नुकसान हो सकता है या वर्कआउट करना चाह रहे हैं किस किस तरह की इस इस पर एक सवाल है दूसरा सवाल यह है कि जानवरों से क्या ये स्प्रेड हो रहा है ये जो भी इस पर आप बता सकते हैं जानवरों से कोई स्प्रेड नहीं हो रहा दिस इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नंबर टू अगर आपने वैक्सीन लगाया है कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सिन लगाया है हर एक व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट हो कोई दर्द हो या बुखार हो या ऐसे बॉडी एक्स हो रहे हैं अगर ये सब कुछ नहीं है कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है काम करिए काम पे आइए काम करिए हाँ ज़रूरत हुई अगर आपको दर्द हो रहा है एक आधे दिन के लिए मामूली हरारत है तो आप उसी के मुताबिक उसमें जितना आप अपने आप को आराम करना उचित समझें वो करिए और कई बार बुखार थोड़ा ज़्यादा है तो पैरासीटामोल की भी जरूरत पड़ सकती है रेयरली अनकॉमनली जनरली दीज आर ग्रेट वैक्सीन दे आर सेफ वैक्सीन विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड देयर फोर दियर डिफॉल्ट रिस्पॉन्स की टीका लगाइए वहाँ तीस मिनट आपसे आराम जरूर करवाते हैं हम उसके बाद में काम करिए लेकिन कुछ ऐसा है तो उसके मुताबिक अपने शरीर को जैसे आप उचित समझें उस तरह का रेस्ट की करेंगे इसमें कोई Uh, कोई जनरल एक गाइडेंस कोई नहीं है कि आप रेस्ट करेंगे या ये काम नहीं करेंगे धन्यवाद थैंक यू सर विद दिस वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस थैंक यू फ्रेंड्स